बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 4.9 चल रही है, जिसका हम लोग ने सेकंड मेथड करना है। ठीक हो गया, 4.9 के अंदर 3 मेथड के क्वेश्चन है। फर्स्ट मेथड हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। ठीक हो गया, आज हम सेकेंड मैथड करने लगे हैं। सेकेंड मैथड आपके पास कौन सा? कि वन इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक हो गया जी, तो प्रीवियस जो मेथड था आपके पास वो था बोथ इक्वेशन कंटेन ओनली एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर टर्म्स। ठीक हो गया जी, आज जो आपके पास है वन इक्वेशन इज होमोजेनियस। वन इक्वेशन इज होमोजेनियस का मतलब होता है कि उसमें कांस्टेंट की टर्म कोई भी नहीं होगी। तो वन इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब होता है कि इसमें कांस्टेंट की टर्म कोई भी नहीं होगी। कैसे? फॉर एग्जांपल, इसके अगर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन की हम बात करें स्टूडेंट, वो आपके पास क्या होती है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास क्या होती है? सेकेंड डिग्री जनरल होमोजीनियस इक्वेशन होती है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब इसके अंदर ए बी और एच कभी भी ज़ीरो नहीं होते, और ए पी और एच आपका बिलोंग किसको कर रहा होता है? रियल नंबर को। मतलब ये सारे तीनों के तीनों क्या होते हैं? रियल कोफिशेंट कहलाते हैं। रियल कोफिशेंट का मतलब होता है कि वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो इक्वेशन तो आपको समझ में आ गई है कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है सेकंड डिग्री। ठीक हो गया, अब हमने बात करनी है कि एक इक्वेशन आपके पास क्या होगी? होमोजेनियस, और दूसरी इक्वेशन आपके पास कोई भी हो सकती है, उससे हमें कंसर्न नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपनी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस सिक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, और जो इसकी सेकेंड इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आपके पास? 45 आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब जरा गौर कीजिएगा, दो इक्वेशन आपके पास गिवन है, इनमें से जो एक इक्वेशन आपके पास बच्चों वो आपके पास क्या है? होमोजीनियस। होमोजीनियस आपके पास ये है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? ये इक्वेशन क्या कहलाती है आपके पास? होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। तो अब होमोजीनियस इक्वेशन की हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व भी कर सकते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, अगर इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से लगा लें। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला तब लगेगा जब ये आपकी एक वेरिएबल में गिवन होगी, लेकिन ये अब इस वक्त दो वेरिएबल में गिवन है। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो कोशिश यही करनी है बच्चों कि इसको हम फैक्टराइजेशन के अमल से सॉल्व कर सके। ठीक हो गया जी, अगर फैक्टराइजेशन का अमल नहीं लगता तो उस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले हमने इस इक्वेशन को वन वेरिएबल में क्या करना है? कन्वर्ट करना है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो हम देखते हैं क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं आपके पास। तो इसका सोल्यूशन है जी आपके पास, ठीक है, क्या कहता है जी? गिवन आपके पास के एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस सिक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या बच्चों? जीरो। ठीक हो गया, अब इसकी ना फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। फैक्टराइजेशन जरा गौर से सुनिएगा कि एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं सिक्स को और पहले क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आता है? सिक्स वाई स्क्वायर आता है। तो दरमियान वाले कॉफिशन की अगर हम सेंट्रल पार्टीशन करें माइनस फाइव की, तो क्या बन जाता है? थ्री टू जो सिक्स बन जाएगा आपके पास। तो देखिएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई, ठीक है, प्लस सिक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? जीरो आ गया। ठीक होगा स्टूडेंट? तो अब जरा गौर कीजिएगा कि हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है जी। तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आती है आपके पास? एक्स कॉमन आता है। यहाँ से एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस थ्री वाई, ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन आता है? माइनस टू भी कॉमन आता है और वाई भी कॉमन आता है बच्चों। ठीक हो गया, यहाँ रह जाएगा एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टराइजेशन के अंदर ये वाला जो पेयर है, ठीक है, ये वाला जो फैक्टर है आपके पास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब ज़रा गौर कीजिएगा, एक्स माइनस टू वाई, ठीक है, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। बाई द रूल ऑफ फैक्टराइजेशन क्या कहता है कि एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया, अब एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली है? टू वाई, और
एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई है, 3y आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, अभी आपके पास क्या एक्स की वैल्यू आ गई? नहीं भाई, एक्स की वैल्यू अभी नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ वाई की फॉर्म में आई है। तो हमने क्या करना है बच्चों, अब इसकी एक्स की वैल्यू को वन बाय वन इक्वेशन नंबर टू में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। वन में करना चाहते हैं वन में कर ले, टू में करना चाहते हैं टू में कर ले। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी किसी भी चीज़ की वैल्यू पुट करने लगे तो आपने देखना है कि इक्वेशन के अंदर वो वेरिएबल कितनी दफ़ा आ रहा है। अब इसमें एक्स कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा, और इसमें एक्स कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 दफ़ा आ रहा है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट, तो आपने वन टाइम इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक हो गया। तो अब क्या कर देते हैं, जब हम लोग पुट कर देते हैं इसको, जी हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, पुट एक्स इक्वल टू 2y, इसको 1 का नाम दे दें आप लोग, ठीक है, और इसको क्या नाम दे दें, 2 का नाम दे दें। अब 1 के अंदर हम क्या कर देते हैं बच्चों, इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट करें जी, ये बन जाएगा बेटा 2y, ठीक है, होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, 2y² का मतलब होता है 4y की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 45। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 5y की स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45। दोनों तरफ कितने से डिवाइड कर देते हैं, 5 से। तो y स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, बता सकते हैं मुझे, 9 × 5 = 45 होता है, ठीक है, 9 आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, जो स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ±3। तो ये y की वैल्यू आ गई जी, y इज इक्वल टू ±3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी को इसी में पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 2 × ±3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ±6 आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट, अच्छा जी। अभी हमने सिर्फ अभी एक को ही सॉल्व किया, अब हम क्या करेंगे, दूसरी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब दूसरी को सॉल्व के लिए आपने क्या करना, अगेन क्या कर देना, पुट x इज इक्वल टू, इस दफ़ा हमने कितना पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 2, ठीक है स्टूडेंट। 2 के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर बनेगा, देखिएगा जी, 3y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 हो गया आपके पास। समझ आ रही इस बात की, ये आपके पास क्या था, x इज इक्वल टू 3y, ठीक है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, कितना बन जाएगा, 9y का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, बता सकते हैं मुझे बच्चों, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 45। ये बन जाएगा आपके पास 10y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 45। तो y स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 45 अपॉन 10 आ गया। तो 9 × 5 = 45, 5 × 9 = 45 और 5 × 2 = 10 होता है। तो y जो स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास वो आ गया 9/2। तो y की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, ±3/√2 आ जाएगी आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट, तो अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू के लिए क्या करें, सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें आपके पास, ठीक है। तो x की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 × ±√3 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ±9/√2 आ गया आपके पास, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन सेट बनाना। सॉल्यूशन सेट बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जो सेट बनाने का तरीका है वो आपके पास है बच्चों, जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले x की वैल्यू कितनी, ±6, और यहाँ पे कितनी, ±3, और दूसरी जो वैल्यू आपके पास प्लस माइनस कितनी आपके पास, 9/√2, और फिर आपके पास क्या, ±3/√2, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, जस्ट आपने क्या करना स्टूडेंट, अपने मेथड्स को याद रखना। अगर आप मेथड्स भूल चुके हैं तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो याद रखिएगा, जो आज हमने मेथड किया वो आपके पास, वन इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होता है और कांस्टेंट की टर्म इसमें शामिल नहीं होती आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है, होमोजीनियस इक्वेशन जो आपको गिवन होगी उसके आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं लेकिन आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा, ठीक हो गया।
तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी, हमने क्या कर दिया, माइनस थ्री टू का कितना होता आपके पास सिक्स होता स्टूडेंट। तो करने के बाद दो इक्वेशन आ गई, एक एक्स इज इक्वल टू, दूसरी भी एक्स इज इक्वल टू। इसको वन बाय वन आपने इक्वेशन नंबर टू में पुट करना, टू में पुट करने के लिए आप क्या करने इसके सॉल्व करने, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या आ गया इसका सोल्यूशन आ गया। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज डैट क्या ये इसका आंसर है या नहीं, सोल्यूशन है या नहीं, तो आप इसकी वेरीफिकेशन कर सकते हैं कि आपको कन्फर्मेशन चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर वेरीफिकेशन करना ज़रूरी है या नहीं, तो बच्चों ये आपकी वेरीफिकेशन आपके लिए है कि आपको कन्फर्म हो गया कि मेरा क्वेश्चन 100% क्या है, ठीक है, तो आप इसलिए इसकी वेरीफिकेशन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसकी अनदर एग्जांपल लेते हैं, देन उसको हम क्या करते हैं इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट, तो इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास हम ले लेते हैं 12x² माइनस 11xy प्लस 2y का स्क्वायर। जी क्या एग्जांपल है जी, 12x² माइनस 11xy एंड प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक ही इक्वेशन, ठीक है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। जो दूसरी आपके पास है स्टूडेंट 2x² प्लस 7xy और आपके पास कितनी है इज इक्वल टू 60। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती हैं आपके लिए, ठीक हो गया, सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी बढ़ गई है। पहले क्या थी एक्स वाई के प्रोडक्ट के टर्म नहीं थी प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स वाई के प्रोडक्ट के टर्म इसमें शामिल है, तो हमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते वक्त एहतियात बरतना, मतलब एहतियात हमें करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, फिर माइनस 11xy प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। 12 से कितना हो जाता है 24, तो हम 11 को ब्रेक कर सकते हैं कि 8 3 से कितना होता है 24 होता है आपके पास। 12x² माइनस 8xy माइनस 3xy प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या होता है बच्चों जीरो। तो अब जरा गौर कीजिएगा, कुछ ना कुछ इसमें से कॉमन आता है, मेरे ख्याल से 4 कॉमन आपका आ जाता है, तो 4 और यहाँ से क्या करते हैं x भी कॉमन आता है, यहाँ पे क्या रह जाएगा 4 3 12 3x माइनस यहाँ पे कितना 2, तो y आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या करें कॉमन माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं और माइनस y कॉमन कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये पेयर आपके क्या स्टूडेंट सेम है, तो 4x माइनस वाई और आपके पास 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या आगा 0 आ गया। तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या आगा 0 आ गया। अब 4x इज इक्वल टू वाई और 3x इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 2y आ गया। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, आपने यहाँ से डिसाइड करना है कि हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है या फिर वाई की। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इस इक्वेशन में एक्स 2 टाइम आ रहा है, अगर एक्स 2 टाइम आ रहा है तो इसका मतलब है हमें 2 दफ़ा वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, लेकिन वाई आपका 1 टाइम आ रहा है, तो हम यहाँ से अगर वाई की वैल्यू निकालना चाहें 4x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, और 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों वाई हो जाएगा आपके पास। ये लें जी, आसान सा काम हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं इसको पुट कर देते हैं 1 बाय 1। तो अब क्या करते हैं जी, पहले हम ले लेते हैं जी y इज इक्वल टू 4x ले लेते हैं, ठीक होगा जी, पुट इसको 2 का नाम देते हैं, पुट इन 2 कर देते हैं, ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस 7x इंटू कितना हो जाएगा जी 4x हो जाएगा जी इज इक्वल टू कितना होगा 60। 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 28, एक एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा 60, तो ये हो जाएगा 30x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, तो 30 डिवाइडेड बाई 30 ये कैंसल 3 2 60, एक्स के इज इक्वल टू कितना आ गया 2 और एक्स की वैल्यू कितनी आ गया प्लस माइनस अंडर 2 आ गई। तो देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन है, जस्ट आपको टेक्निक आनी चाहिए, अगर टेक्निक आपके पास नहीं है तो आप रट्टा भी इसको नहीं लगा सकते, ठीक हो गया, किसी एक क्वेश्चन को लगाएंगे किसी दो को लगाएंगे, लेकिन पूरी एक्सरसाइज को रट्टा लगाना आपके लिए मुश्किल है। तब हम क्या करते हैं इसको पुट कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू 4√ प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ गया आपके पास। तो दो एक इक्वेशन के लिए तो आपका क्या होगा सॉल्यूशन कंप्लीट होगा स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है इसको
सेकेंड जो y की वैल्यू निकाली हुई उसके लिए हमने क्या करना स्टूडेंट, सॉल्व करना, ठीक हो गया। चलिए जी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी, ठीक है। पुट इन टू कर देते हैं अगेन, y की वैल्यू कितनी है 3x/2, ठीक है। पुट करते हैं जी 2x² + 7x एंड 3x/2 कितना आ जाएगा 2 = कितना आ जाएगा 60। ये बन जाएगा 2x² + 7 × 3 = 21, x² / 2 = कितना आ गया 60। मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये आपके पास क्या बन जाएगा 4x² + 21x² और ये आ जाएगा आपके पास 120, ठीक होगा। ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 × 4 होगा 6 × 12 हो गया जी आपके पास। अब जरा कॉल कीजिए, कुछ कॉमन आता है यहाँ से, नहीं कॉमन आता। ये कितना हो जाएगा 21 × 4 = 25² = कितना हो गया 120 हो गया आपके पास, समझ आ रही है। तो x² = कितना हो जाएगा 120/25। तो मेरे ख्याल से ये ना 5 पे कैंसिल आउट होता है, तो देखिएगा 5 × 2 = 10, 0 और आपके पास क्या आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10 और 5 × 4 = 20, सॉरी, ठीक हो गया। ये 24/5 आ गया। तो x² की जो वैल्यू आ गई आपके पास 24/ कितना आ गया 25 आ गया। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग क्या आ जाएगा ±√24/ कितना आ गया 5 आ गया। तो अब हम किसकी निकालने बच्चों, y की वैल्यू निकालनी। तो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं जी हम लोग जी। तो y = कितना आ जाएगा 3/2 है आपके पास। तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास ±√24/5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस, ये √5 कंप्लीट कर बेटा, 3/3 √24/2 कितना आ गया 5 आ गया आपके पास। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब आप इसका सॉल्यूशन सेट बना सकते हैं। सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा, ठीक है। पहले x की वैल्यू लिखते होते हैं ±√2, परेशान नहीं होना कि इतनी टफ वैल्यू आ रही आती रहती है इस तरह, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू कितनी बच्चों आपके, ±√24/5, ठीक है। और दूसरी जो वैल्यू आपके पास आएगी क्या आएगी, जल्दी से बता दें मुझे बच्चों। ये आपके पास बनेगा जी ±√3/2 √24/5, ठीक है। अब ठीक है ना, तो क्वेश्चन इज दैट सर इतनी बड़ी वैल्यूज आ रही है, क्या इनकी वेरिफिकेशन हो सकती है? डेफिनेटली इनकी वेरिफिकेशन हो सकती है, हम करके देख लेते हैं किसी एक क्वेश्चन की वेरिफिकेशन, ठीक होगा स्टूडेंट। चलें आइए जी वेरिफिकेशन करते हैं जी हम लोग। अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो फर्स्ट हम ले लेते हैं जी, एक्स की वैल्यू कितनी थी आपके पास ±√24/5 एंड y की वैल्यू आपके पास कितनी थी, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लग रही है ना आपको, हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या थी आपके पास, 12x² - 11xy + 2y² = 0। 12x की वैल्यू कितनी आपके पास +√24/5 - 11 √24/5 + -±√24/5 + 2 + -0.2 √24/5 = क्या आ गया स्क्वेयर 0, यहाँ भी स्क्वेयर आएगा, ठीक है बच्चों। अब जरा गौर कीजिएगा, स्क्वेयर क्या कर देता है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड होती है। 24/ कितना आ गया 5 आ गया, −11 ++ −−, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा 3/2 अलग आ जाएगा, और 24/5 का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ±2 ये कैंसिल होगी, क्या बन जाएगा 9/4, ठीक है। ये स्क्वायर करेंगे 9/4 और ये बन जाएगा 24/5 बन जाएगा = क्या हो जाएगा 0 आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ज़रा गौर कीजिएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करना, हमने कितना मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 24 × 12 कितना होता है 4 × 2 = 8 2 × 2 = 4 4 × 1 = 4 2 × 2 = 2 8 8 2, तो ये आ जाएगा 288/5, ठीक है हो गया। माइनस 11
इलेवन थ्री से कितना होता है 33 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 24/5। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ये प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास 4×6=24। ठीक हो गया जी, 2×9=6 तक कितना हो जाता है आपके पास 54। ठीक हो गया जी, 54/5 कितना हो गया 5 हो गया, इक्वल टू कितना होगा 0। अब ज़रा गौर कीजिएगा, 288/5 माइनस ये कितना हो जाएगा 2×12=24। ठीक हो गया, 2×12=24 तो कितना आ जाएगा ऊपर 33। ठीक हो गया, 33 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों की इससे 12 से, तो 3×2=6 एंड 3×2=6 3×1=3, 3×1=3, 6×9=3, तो ये आ जाएगा 3×9=6/5 प्लस, अब ये कितना आता है 54, 2×4=8 एंड 2×5=10/5 =0। चलो जी, इसका एलसीएम कितना आता है 5, 288 माइनस 396 प्लस 108 =0। अब ज़रा गौर कीजिएगा, 288 और 108 कितना होता है आपके पास, देखिए जी 288 को हम प्लस करने लगे हैं जी 108 में, आई थिंक इतना ही बनता है 88 16 1। ठीक हो गया, 396 माइनस 396 / 5 = 0 एंड समथिंग डिवाइडेड बाई 5 = 0, 0 = 0 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास। तो स्टूडेंट हमारी वेरिफिकेशन क्या हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। ठीक हो गया, तो बच्चों परेशान कुछ भी नहीं होना, आप लोग नज़र भी परेशान नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, जस्ट आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। अगर आपको टेक्निक्स आ गई हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज 4.9 का जो सेकेंड मेथड था वो हमारे पास क्या हो चुका है, कम्प्लीट। ठीक हो गया जी, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक हो गया, मैं आपका वेट करूँगा। तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि तमाम बच्चों को मेरे लेक्चर मिलते रहें और हम इसी तरह इसको कंटिन्यू करते रहें। क्लियर होगा स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, अस्सलाम वालेकुम।